सब्जियों के ऊंचे दामों ने आमजन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बारिश से सब्जियों का उत्पादन 70% तक घट गया है। इसका असर सब्जियों के दामों पर पड़ रहा है। कीमतें 4 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। बाजार में आलू प्याज छोड़कर सभी हरी सब्जियों के दाम 60 रुपए पार चले गए हैं। टमाटर अदरक और हरी मिर्च ने तो तेजी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। वहीं अधिकांश सब्जियां भी 50 से 60 रुपए किलो हैं। तो वहीं कुछ सब्जियां 100 से 200 रुपए किलो तक भी मिल रही हैं। और खास बात यह है कि आमतौर पर सब्जी के साथ यूं ही मिल जाने वाले हरे धनिये के दाम भी इन दिनों आसमान पर हैं। इसके कारण सब्जी के साथ इन पर भी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लगभग हर सब्जी के साथ उपयोग होने वाले आलू के दाम जरूर राहत दे रहे हैं। बाजार में इस बार आम आदमी टिंडा और भिंडी भी खाने की स्थिति में नहीं रह गया। बाजार में टिंडा 100 रुपए किलो बिक रहा है तो भिंडी 80 रुपए किलो बिक रही है। बाजार में फूलगोभी 140 रुपए किलो बिक रही है। ग्वारफली 100 रुपए किलो, बैंगन के दाम 65 रुपए किलो, अरबी 60 रुपए किलो से अधिक दामों पर बिक रही है। बाजार में 20 दिन पहले सब्जियों के दाम ठीक चल रहे थे, अचानक बेमौसम की बारिश होने से सब्जी की फसल खेतों में ही खराब हो गई।